देखिए, जब आप किसी चीज में एफर्ट नहीं देंगे तो आप आगे बढ़ के काम कैसे करेंगे? आपको एफर्ट देना होगा, रिजल्ट अपने आप आएगा। मेरा एकमात्र संदेश है कि मेहनत करें, आगे बढ़ें, और आगे बढ़ के सिर्फ अपने स्टेट को नहीं, पूरे हमारे भारतवर्ष को आगे बढ़ाएं, उसका एक नाम करें। कल के दिन जो चाइना का विकल्प यहाँ तैयार हो, उसकी चेष्टा की जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पहली नजर। दोस्तों की लगातार की जैसा कि हम लोग आपको विभिन्न शख्सियतों से मुलाकात करवा रहे हैं, और आज हमारे साथ एक और जानी मानी शख्सियत है, केमिकल इंडस्ट्रीज में बड़ा नाम है, संजीव कोठारी जी का, वो हमारे साथ हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद देता हूँ आपको कि युवा शक्ति को आपने समय दिया साक्षात्कार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और सबको मेरा नमस्कार। जी, केमिकल इंडस्ट्री में तो आपका एक बड़ा नाम है ही, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किंग केमिकल है। इसके अलावा FMCG प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्पाइसेस में भी बड़ा नाम है संजीव कोठारी जी का। लेकिन उससे पहले जो लोग इस वक्त युवा शक्ति देख रहे हैं, उसे आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दें, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और कैसे इस इंडस्ट्री में आना हुआ, थोड़ा सा लोगों को बताएं। बात ऐसा है साहब कि पहली बात, मैं अपने संबंध में एक चीज़ बताऊं कि हम लोग ओरिजिनली राजस्थान से हैं, लेकिन करीब 400 सालों से हम लोग बंगाल में हैं, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। हमारी पूरी मैंने हमारा जो कम्युनिटी है वो पूरा सेटल हो गया है। आपने जगत सेठ का नाम सुना ही होगा, तो हम लोग वो जगत सेठ के वंशधर हैं। तो अभी ये 12वां जनरेशन चल रहा है। तो ये तो रहा वंशगत परिचय। और एक्चुअली हम कलकत्ता में ही पले बड़े हुए और यहीं पे शिक्षा दीक्षा हुई। तो बहुत छोटी उम्र में पापा को खो दिया था। ये बिजनेस जो है पापा का ही इस्टेब्लिश किया हुआ था। ओरिजिनली हम लोग की एक साड़ी की दुकान हुआ करती थी कॉलेज स्ट्रीट में, इंडियन सिल्क हाउस नाम है, बहुत नामी दुकान है, आज भी है। लेकिन हमारा जो पार्टनरशिप शेयर था वो श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी को दान कर दिया गया था। ये केमिकल इंडस्ट्री मेरे पापा का ही बनाया हुआ है, हमने जस्ट उसको थामा है और आगे बढ़ाने की चेष्टा की है। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूँगा, आप तो ये बड़ी बात है आपके लिए, ये बहुत बड़प्पन है आपका कि आप कह रहे हैं कि छोटा सा ये कारोबार है। लेकिन मैं कहूँ दर्शकों को, मैं बताऊँ कि किंग केमिकल्स जो है ये सचमुच अपने आप में किंग है, बहुत बड़ा नाम है। संजीव जी छुपा रहे हैं और ये इनका बड़प्पन है कि दर्शकों के सामने किंग केमिकल के एक छोटा सा बिजनेस बता रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने जो सर्वे किया है, इससे तो दूसरे जो केमिकल इंडस्ट्री है वो तो प्रेरणा लेती है, शिक्षा मानती है कि आप जिस प्रकार से अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग भी उसी प्रकार से अच्छा काम कर रहे हैं। तो बात ऐसा है, बड़े छोटे वो तो सेकेंडरी इशू है। हाँ, हमारा संस्था बहुत पुराना है, करीब 72 साल हो गया हम लोग को इस बिजनेस में, मेरे पापा का शुरुआत है। और उन दिनों में शुरुआत है जब पूरे केमिकल इंडस्ट्रीज में, केमिकल व्यवसाय में बहुत ही कम लोग हुआ करते। तो एक ऐसा है नया व्यवसाय था जहां अधिक लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, ज़्यादातर दुकानदार थे या छोटे मोटे अलग व्यवसाय में थे, लेकिन केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ही कम लोग थे। हाँ, उस हिसाब से आप देखें तो एक अलग रूप था, अलग चीज़ें थी। लेकिन आज के दिन में तो बहुत हजारों की संख्या में लोग आए हैं, जुड़े हैं और व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं। आज के दिन में MSME इंडस्ट्री भी बंगाल में करीब करीब 2,500 इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री की बंगाल में चल रही है। मैं दर्शकों को बताऊं कि MSME काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। और एक बड़ी बात यहाँ पर बताना बेहद जरूरी है कि ICMA के पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, इसके अलावा ICMA केमिकल पार्क के चेयरमैन हैं संजीव कोठारी जी। संजीव जी, एक मेरे मन में एक सवाल आता है कि केमिकल इंडस्ट्री जो है उसकी कितनी अच्छी संभावनाएं हैं खासकर पश्चिम बंगाल में, क्योंकि खुले मंच से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी विश्व बंगला सम्मेलन में उद्योगपतियों से आह्वान किया कि आप लोग आइए पश्चिम बंगाल में व्यवसाय कीजिए, सरकार का पूरा सपोर्ट रहेगा। तो कितना ज़्यादा सपोर्ट है और कितनी संभावनाएं हैं, थोड़ा बताएं। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। केमिकल इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है, एक ऐसा चीज है, एक ऐसा रसायन, एक ऐसा चीज है जो
किसी भी व्यापार में, किसी भी उद्योग में, किसी भी चीज में बिना केमिकल्स के आप काम नहीं कर सकते। चाहे वो खाने पीने की चीज हो तो प्रिजर्वेटिव चाहिए, चाहे वो रंग हो तो केमिकल्स रॉ मटेरियल्स चाहिए, चाहे चमड़ा हो तो उसमें प्रोसेसिंग के लिए केमिकल्स चाहिए, रोड बने तो उसमें भी केमिकल्स कोल्टाल लगेगा। तो हर चीजों में केमिकल्स की तो जरूरत है ही। तो केमिकल्स का इतना बड़ा यूज है, और पश्चिम बंगाल हमारा यूजर स्टेट है, यहाँ पर यूजर इंडस्ट्री भरे हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने सालों तक केमिकल इंडस्ट्री इतने बड़े ढंग से प्रॉस्पर नहीं की यहाँ, या आई नहीं। बड़ी केमिकल इंडस्ट्री तो हाथ में आप गिनने लायक हैं, चाहे हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स को लें या धनसेरी ग्रुप का वो सदन पेट्रोकेमिकल्स को लें, दो चार ही यूनिट है जो बड़े रूप में बड़े पैमाने में यहाँ पे लगी हुई है। अदरवाइज केमिकल इंडस्ट्री यहाँ पे है नहीं। जितने केमिकल इंडस्ट्री है वो या तो पश्चिमी भारत से यहाँ आयात होती है या विदेशों से आयात होती है। तो हमने सोचा कि इकमा जो हमारा केमिकल एसोसिएशन है, उन्होंने सोचा कि हम लोग क्यों ना एक डेडिकेटेड केमिकल इंडस्ट्री पार्क बनाएं, जिसमें सिर्फ केमिकल और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट के ही यूनिट लगें, जिससे केमिकल व्यवसाय को एक बड़ा बूस्ट मिले और केमिकल इंडस्ट्री यहाँ पर बड़े रूप में प्रॉस्पर करे। क्योंकि रेडी मार्केट तो है ही, बनाएंगे तो यहाँ बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेबरिंग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल वगैरह भी हमारा बड़े बड़े पैमाने में वो लोग हमारे खरीदार हैं, तो बेचने में भी भेजने में भी बहुत ईजी रहेगी। तो इसलिए केमिकल इंडस्ट्री के बारे में सोचा गया और ये इंडस्ट्रियल पार्क का रूपरेखा बना। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसके पहले हमारा ये रूपरेखा बन गया करीब 10 सालों से, लेकिन उतने अच्छे ढंग से ये आगे बढ़ नहीं पाया। बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारे गवर्नमेंट परमिशंस वगैरह नहीं मिले थे, जिस कारण से आप केमिकल इंडस्ट्री में जानते हैं थोड़ा बहुत पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री होता है, तो उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ ये भी तरह तरह के क्लियरेंसेस चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अलग अलग तरीक़ों का। हमको कहने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान सरकार के हैंड होल्डिंग के कारण हम लोगों को बहुत उत्साह मिला और हम लोग इस इंडस्ट्री को लाने के लिए, इंडस्ट्रियल पार्क को लाने के लिए अब एकदम कटिबद्ध हैं। और राजीवा सिन्हा साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमएसएमई और टेक्सटाइल्स रहे थे, उस टाइम में ही इस इंडस्ट्री पार्क को बहुत बूस्ट मिला था। उनके कारण ही हम लोगों को हिम्मत हुई कि इसको आगे बढ़ाने का। और उसके बाद सीएम साहब से भी मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई है, और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स होती हैं हावड़ा जिला की, उसमें सब में हम लोगों को बुलाया जाता है और हम लोग की बात सुनी जाती है। और ये रियल में अच्छी बात है कि उनके ये बढ़ावा देने के कारण ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं और काफ़ी काम आगे बढ़ रहा है। बहुत बड़ी बात कही है आज संजीव कोठारे जी ने युवा शक्ति के कैमरे में। और एक बात मैं दर्शकों को मैं बताऊं कि अगर इकमा केमिकल पार्क जो है अगर वो बनकर तैयार हो जाएगा तो लगभग 200 इंडस्ट्रीज जो है इसमें व्यवसाय कर सकेंगे। तो इससे तो पश्चिम बंगाल का तो सुनाम होगा ही, और केमिकल इंडस्ट्री में पश्चिम बंगाल जो है दूसरे राज्यों से भी बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। बहुत बहुत, मतलब एक स्वयं संपूर्ण, एक मैं नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएगी, ज़्यादातर एमएसएमई यूनिट्स ही आएंगे, लेकिन एमएसएमई यूनिट्स के आने के कारण जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स यहाँ बन नहीं रहा है वो प्रोडक्ट्स यहाँ बनने लगेंगे। तो यहाँ खुद ब खुद एक मार्केट तो है ही, और बनाएंगे तो यहीं पे माल बिक जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को भी, और सबसे बड़ी बात है कि केमिकल इंडस्ट्री बहुत आदमी को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो ये जो आप ये केमिकल पार्क आएगा तो हमारे समझ से लगभग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 15,000 लोगों का, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट करीब 40,000 लोगों का इसमें एक रोजगार का रास्ता बनेगा। और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 2000 करोड़ का टर्नओवर का संभावना है ये केमिकल इंडस्ट्री पार्क से।
दोस्तों किस प्रकार से संजीव कोठारी जी जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज की बारीकियों के बारे में, इसकी संभावनाओं के बारे में, और ये इंडस्ट्री किस प्रकार से फल फूल रहा है और सरकार को कितना सपोर्ट मिल रहा है, इसके बारे में हम लोग से लगातार चर्चा कर रहे हैं। इनके बारे में मैं एक बात और बता दूं कि ये मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स के ट्रेजरर भी हैं, और उसके बारे में एक सवाल इनसे करना बेहद जरूरी है कि मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है उसका कहीं ना कहीं उसकी जो सहभागिता है वो सरकार के प्रति और बिजनेसमैन के प्रति एक पुल का काम कर रही है, कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा चेंबर ऑफ कॉमर्स है जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक सेतु बंधन का काम कर रहा है, एक सेतु बंधन जो कि सरकार को और इंडस्ट्री बॉडी को जोड़ रहा है, और इसमें किसी भी तरह की तकलीफें और किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स जो हमारे इंडस्ट्रीज को फेस करना पड़ता है उसको सरकार तक ले जाने में मर्चेंट चेंबर एक बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहा है। चाहे वो KMC का ट्रेड लाइसेंस का इशू हो, या चाहे मान लीजिए पंचायत इलाके का प्रॉब्लम हो, चाहे इंडस्ट्री के लिए कहीं पर म्यूनिसिपल इलाके का प्रॉब्लम हो, उसको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से सॉल्व करने की चेष्टा की है। MSME काउंसिल जो है मर्चेंट चेंबर का, वो हर महीने MSME हेल्प डेस्क चलाते हैं जिसमें निःशुल्क बिना कोई चार्ज लिए, बिना कोई पैसा लिए, बिना कोई कमिटमेंट के किसी भी MSME यूनिट को और किसी भी तरह का सहयोग MSME काउंसिल देता है। चाहे वो टैक्सेशन इश्यूज के लिए उसको जानकारी हो, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए जानकारी हो कैसे लोन मिलेगा उसके लिए हो, चाहे वो उसकी कहीं पर अलॉटमेंट फंस गई है लैंड की तो उसको हेल्प करने का चेष्टा, या कहीं उसकी पेमेंट रुक गई है तो MSME समाधान पोर्टल के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार की जो MSME यूनिट्स हैं उसके साथ सहभागिता से उसको भी सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि MSME डिपार्टमेंट से जॉइंट डायरेक्टर मिस्टर राजकुमार मिड्डा MSME काउंसिल के हर प्रोग्राम में उपस्थित रहते हैं और अपने कुशल बुद्धि से एक एक चीज को सॉल्व ऑन द स्पॉट करने की चेष्टा करते हैं। इतनी अच्छे तरीके से ये चीज चल रहा है, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये एकमात्र चेंबर ऑफ कॉमर्स है जो कि MSME के लिए हर महीने कुछ ऐसा कॉन्क्रीट कार्यक्रम कर रहा है जिसमें रियल सेंस में हेल्प होगा। आपने MCC के जो कार्यक्रम है उसकी चर्चा छेड़ ही दी है, तो इस सवाल का भी आप जवाब देते जाइए कि जो वर्चुअल जितने भी वेबिनार हो रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहे हैं और MSME में इतने कार्य हो रहे हैं, इतने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि बाकी के जो चैम्बर है वो कर तो रहे हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर जिस प्रकार से लगातार मंत्रियों से आप लोगों को रूबरू करवाया जा रहा है, ये काम तो सिर्फ मर्चेंट चेंबर ही कर सकता है। एक्चुअली मर्चेंट चेंबर इस चीज में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहा है, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर्स हो, चाहे स्टेट मिनिस्टर्स हो, उनके संग जैसा मैंने बोला ये एक सेतु बंधन का काम करते हैं। तो सेतु बंधन तो देखिए डायरेक्ट इंटरेक्शन में ही हो सकता है, तो चूंकि कोरोना काल चल रहा है, इतने तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो वो प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए कोशिश किया जा रहा है कि अगर साथ में मिलके फिजिकल मीटिंग ना हो, कम से कम वर्चुअल मीटिंग के दौरान अपनी समस्याएं, अपने मेंबर्स की समस्याएं, लोगों की समस्याएं उन तक पहुंचाया जाए और उसका समाधान ढूंढा जाए। चलिए, मेरा एक अंतिम सवाल है संजीव कोठारी जी से कि संजीव जी, जो लोग आपको इस वक्त युवा शक्ति पर देख रहे हैं, जो दर्शक हैं और केमिकल इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कितना फायदा है या कितना प्रोविजंस है इस इंडस्ट्री में आने के लिए? क्योंकि बहुत सारे युवा जो हैं वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि भाई केमिकल इंडस्ट्री में जाएं कि नहीं जाएं, बहुत सारे मन में सवाल आते हैं। आप एक सफल बिजनेसमैन हैं, थोड़ा बताइए संजीव कोठारी जी कि किस प्रकार से क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे युवा इससे जुड़े, थोड़ा बताएं इसका। जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में ही कहा कि केमिकल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, केमिकल्स की जरूरत हर चीजों में है, हर घरेलू चीजों में
चाहे वो इंडस्ट्री में हो चाहे किसी भी चीज़ में, किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, बिना केमिकल्स के नहीं हो सकता। तो इसकी अपार संभावना है और फॉर्चुनेटली यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री उतनी विकसित नहीं है, तो उसको विकसित करने की ज़रूरत है। तो लोग आगे आए, केमिस्ट्री ऑनर्स से पढ़े हुए लोग, MSc BSc किए हुए लोग आए, इसमें जुड़े और छोटे छोटे व्यवसाय, कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करें। ज़्यादा पैसा नहीं है, कॉटेज इंडस्ट्री करें। 10 लाख रुपया बिना कोलेट्रल के लोन की प्रावधान है भारत सरकार द्वारा, उसका लाभ लें। छोटी छोटी इंडस्ट्री बैठाएं, ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क जैसा हम लोग बना रहे हैं, और भी इंडस्ट्रियल पार्क्स आ रही हैं, तो वो एक्सक्लूसिव केमिकल के लिए नहीं है लेकिन आ रही हैं, वहाँ भी जमीन ले सकते हैं। जमीन खरीदना नहीं चाहते हैं, खरीदने के पैसा नहीं है तो भाड़ा में ले सकते हैं, लेके इंडस्ट्री चलाएं, इंडस्ट्री करें। और यहाँ पे व्यवसाय की कोई कमी नहीं है, है सदिच्छा की, आगे बढ़ने की उद्यम शक्ति की, और दिल में एक उमंग लेके आगे बढ़ने की। देखिए, जब आप किसी चीज़ में एफर्ट नहीं देंगे तो आप आगे बढ़ के काम कैसे करेंगे? आपको एफर्ट देना होगा, रिजल्ट अपने आप आएगा। मेरा एकमात्र संदेश है कि मेहनत करें, आगे बढ़ें, और आगे बढ़ के सिर्फ अपने स्टेट को नहीं, पूरे हमारे भारतवर्ष को आगे बढ़ाएं, उसका एक नाम करें। कल के दिन जो चाइना का विकल्प यहाँ तैयार हो, उसकी चेष्टा कीजिए। जाए तो ये सिर्फ बेशकीमती सुझाव ही नहीं है, बेशकीमती संदेश ही नहीं है, बल्कि एक जानदार संदेश भी है युवाओं के लिए कि किस प्रकार से एक सफल बिजनेसमैन आपको इस प्रकार का आह्वान कर रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है और आपके लिए भी एक दवा की तरह है। इस पूरे साक्षात्कार को युवा से मैं अपील करूंगा कि ध्यान से देखिए, समझिए, अपने दिल में बसाइए और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी हाथ आजमाइए। आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पेन नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।